यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। निजामाबाद फरीदाबाद अज्ञात गाड़ी की चपेट में अध्यापक की हुई मौत। आजमगढ़ निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरीदाबाद बाजार अमन ढाबा के पास में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से रामफेर सरोज उम्र 70 वर्ष पुत्र स्वर्गीय रामकिशन सरोज निवासी अंबरपुर थाना गंभीरपुर की दर्दनाक मौत हुई। मृतक रामफेर रोज की भांति अपने स्कूल बंशीधर इंटर कॉलेज पर सहा जा रहे थे। रामफेर सरोज रोज की भांति सुबह करीब 8:30 बजे फरीदाबाद पहुंचे थे कि उससे पहले उसी जगह पर एक आदमी को एक अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। रामफेर सरोज अध्यापक ने उस आदमी की मदद करने जा रहे थे, तब तक अज्ञात गाड़ी दूसरी ने रामफेर सरोज अध्यापक को तेज रफ्तार में टक्कर मार दी है। अध्यापक रामफेर की मौके पर गिर जाते हैं, तब तक अगल बगल के लोगों द्वारा रामफेर को बचाने के लिए तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल भेजा गया। अज्ञात वाहन ने वही मौका का फायदा उठाकर फरार हो गया। परिजनों को किसी आदमी ने सूचना दिया तो परिजनों ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने रामफेर सरोज को मृतक घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही फरेहा चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह के साथ मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर स्थानीय थाना निजामाबाद पहुंचे। परिजनों ने अपनी सारी बात थाना अध्यक्ष हीरेन प्रताप सिंह को बताई। थाना अध्यक्ष ने तुरंत ही पुलिस चौकी इंचार्ज को मौके पर बुलाकर शव का कागज बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है। थाना अध्यक्ष का कहना है कि जल्द से जल्द कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आजमगढ़ निजामाबाद से श्याम जन्म यादव की खास रिपोर्ट। लाश है गाड़ी में, जी। इनका नाम क्या था? जी रामफेर सरोज। तो कितना उम्र रहा होगा इनका? जी 70। पिताजी का नाम? कैसे एक्सीडेंट हुआ? अरविंद कुमार। कैसे एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट कैसे हुआ? सर दो लोग एक्सीडेंट हुआ था, उनमें वो गए उठाने और पीछे से एक आया मार दिया। किधर से हुआ? ये कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ? किधर से हुआ? अंबरपुर मतलब बनगांव में हुआ है सर। बनगांव में फरीदाबाद फरीदाबाद के बीच में जस्ट यहीं हुआ है। तो गाड़ी किधर से आ रही थी? सागन साइड से कि आजमगढ़ साइड? यहाँ की तरफ से गाड़ी आ रही है। जो मृतक है कहाँ गए थे, किस लिए गए थे, किसी कार से गए थे? जी वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उन लोगों को उठाने के लिए गए। उठाने में इनका एक्सीडेंट हो गया? जी उठाने से आया मार के चला गया। कौन सी गाड़ी थी वो? सर शायद स्कूटी थी। स्कूटी से मार दिया? जी यही पता तो चला। प्रशासन पहुंचा वहाँ पर? जी हाँ एम्बुलेंस आई थी। ये चौकी चौकी फरिया की फरिया चौकी कोई भी पहुंचा प्रशासन? जी वहाँ पे तो नहीं दिख रहे थे। आप उठा के एम्बुलेंस में लेके आए हैं आप? जी जब तक आप एम्बुलेंस में लेके आए तब तक कोई नहीं पहुंचा था? जी अच्छा। जैसे एम्बुलेंस जब तक आई कोई चौकी इंचार्ज कोई नहीं पहुँचे वहाँ? हाँ तो फरिया इंचार्ज साहब बदल गए हैं, अभी कारभार था तो भी नए आए हैं। नए आए हैं तो चौकी इंचार्ज भी बदल गए हैं और एसओ साहब भी बदल गए हैं। आज दोनों आदमी अपना पद ग्रहण कर लेंगे। और बताइए इनके कितने बच्चे थे? बेटी बेटा बस दो हैं। अच्छा हमारे सुनने में आया कि 65 उम्र इनकी थी, 65 साल उम्र कितनी थी? लगभग तो उतनी ही है। उतनी है ना? क्या घर ही पे खेती करते थे? क्या करते थे? और सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। कहाँ पे विद्यालय में पढ़ाते थे? विद्यालय का नाम सर नहीं पता लेकिन वहाँ पढ़ाते। आप उनसे कितने नंबर पे छोटे हैं? आप उनके भाई हैं ना? क्या लगे थे? मैं इनका पोता हूँ। अच्छा पोते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। कितना उम्र आपका होगा? सर मेरा 20 है। क्या नाम है इनका? इनका नाम रामफेर सरोज। पिता का नाम? ग्राम सभा? पिता का नाम अरविंद कुमार। पूरा पता बताइए। ग्राम सभा पता बताइए भाई को। अरविंद कुमार, ग्राम अंबरपुर, पोस्ट अंबरपुर। चलिए जानकारी देने